हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो जी आप सब? बढ़िया ना? बढ़िया ही होना चाहिए। आज के व्लॉग में आपका वेलकम है जी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही थी काले चने। काले चने की एक बहुत ही सिंपल सी डिश जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर लूँ। फ्रेंड्स, मैंने 2 कटोरी चने थे जो काले, वो रात को भिगो दिए थे और सुबह उनको बॉयल कर लिया है। तो आइए बनाते हैं सिंपल सी दिखने वाली टेस्टी सी लाजवाब डिश। आइए, हमारा ऑयल जो है, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, वो ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। और मैंने लिए थे 3 मीडियम ऑनियन और उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले जाएगा इसमें तेज पत्ता डाला इसमें, और बाद में डाली एक लाल मिर्च। बस इसमें इतना ही डालना आज हमने काले चने में, एक लाल मिर्च और तेज पत्ता। अब इसमें जाएगा जीरा, 1 चम्मच जीरा चटकने लगा है। साथ में हम डाल देंगे इसके, तो चटक गया हमारा जीरा। इसके साथ हम डाल देंगे चॉप किए हुए ऑनियन, इसको हमने ब्राउन होने तक भूनना है। फ्रेंड्स देखिए, ऑनियन हमारा जो है ब्राउन हो गया है। अब इसमें जाएगा, हमने गैस सिम कर दी है, और इसमें जाएगा चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन, जिंजर गार्लिक, आप पेस्ट भी डाल सकते हो, मैंने चॉप किया हुआ है। इनको भी हल्का ब्राउन होने तक हमने भूनना है। देखिए, हमारा जिंजर गार्लिक भी हल्का ब्राउन हो गया है प्याज के साथ। अब इसमें जाएगा चॉप किया हुआ टमाटर, उसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें भी चॉप की थी, ये जाएगा इसमें। चॉपर के साथ जो टमाटर लगा हुआ था वो हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसमें डाल देना इसको। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी गरम मसाला, धनिया पाउडर और देगी मिर्च। और साथ ही इसमें जाएगा चना मसाला, हमने 1 स्पून भर के डाला चना मसाला। और इसमें जाएगा टेस्ट के अनुसार नमक, अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। और इसको हमने मीडियम गैस पे हमने इसको भूनना है। देखिए, मसाले ने ऑयल छोड़ दिए। अब इसमें जाएंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे ना काले चने, वो देखिए। फ्रेंड्स, चने को हमने मसाले में मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। फ्रेंड्स देखिए, कितने बढ़िया बने हमारे चने। एक बहुत ही हेल्दी डिश है, बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं इनको। इसके ऊपर आप नींबू निचोड़ के डालिए, प्याज टमाटर काट के उनको मिक्स कीजिए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। लो जी, रेडी है हमारे काले चने, एक हेल्दी डिश। फ्रेंड्स, आप इनको ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे भी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगते हैं। नहीं तो इसमें आप प्याज डालिए, टमाटर डालिए और ऊपर से नींबू डालिए और इनको मिक्स करके खाइए, तब भी ये बहुत स्वाद लगते हैं। जैसे आपकी इच्छा वैसे खाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये कुकिंग व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। हंसते वास्ते रहो, सदा खुश रहो जी। थैंक यू।